बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैरेट पाइनएप्पल मुरब्बे की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे आधा किलो कैरेट, इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 250 ग्राम पाइनएप्पल, उसको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 4 ग्लास पानी, 1 कप चीनी, 2 टेबल स्पून विनेगर, नमक ले लेंगे जितनी ज़रूरत है, 20 किशमिश, 2 सिनेमन स्टिक और 15 ग्राम चार मगज। पहले पानी को बॉईल करेंगे। ये 4 ग्लास पानी लिए हैं। पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें गाजर डाल देंगे। और पाइनएप्पल अब इसको वापस बॉईल होने देंगे। अब गाजर और पाइनएप्पल को 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। दस मिनट तक स्लो फ्लेम पे बॉईल किया था, अब इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। चीनी, दालचीनी, सिरका, किशमिश, चार मगज और नमक डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसको मीडियम फ्लेम पे गाढ़ा होने तक बॉईल होने देंगे। मुरब्बे को मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए गाढ़ा किया है। इसमें 2 कप चीनी और ऐड की है शीरा गाढ़ा करने के लिए। मुरब्बा तैयार है। कैरेट पाइनएप्पल मुरब्बा तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।